Hello students, in this video we will continue further with kinematics. So this is basically the lecture 4 of kinematics. Okay, so in the previous video we had derived few formulas. Ek special case ke liye hum logon ne wo sare formulas derive kiye the. Special case kya tha? Ki when acceleration is constant, okay. Now we are going to derive one more formula. ये वन मोर फॉर्मूला जो है दैट इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड ये कितना है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो इन दिस केस लेट्स से दिस इज योर ऑब्जेक्ट. Now what do you mean by nth second? Okay, so let's say यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना. दिस इज टी एट टी इक्वल टू जीरो, ऑब्जेक्ट यहां पे था. एट टी इक्वल टू वन ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा. लेट्स से एट टी इक्वल टू टू ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा. एट थ्री सेकेंड ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है. सो दीज आर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स. ओके, ना सो यहां पे एट टी इक्वल टू वन पे, टी इक्वल टू टू सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट यहां पे आया, टी इक्वल टू थ्री पे ऑब्जेक्ट यहां पे आया. अब ये जो टाइम इंटरवल होता है ना बिटवीन जीरो एंड वन सेकेंड्स का टाइम इंटरवल, इसको कहा जाता है फर्स्ट सेकेंड. ये जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन वन एंड टू, इसको कहा जाता है सेकेंड सेकेंड. ये जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टी इक्वल टू टू एंड टी इक्वल टू थ्री, इसको कहा जाता है थर्ड सेकेंड. तो आप समझ में आ रहा है आपको? ये देखो यहां पे फर्स्ट सेकेंड मींस वन एंड जीरो के बीच का टाइम इंटरवल, सेकेंड सेकेंड मींस टू एंड वन के बीच का टाइम इंटरवल, थर्ड सेकेंड मींस थ्री एंड टू के बीच का टाइम इंटरवल. करेक्ट. सो बेसिकली इन दिस केस आई कैन से दैट व्हेन आई से डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, सो इट इज बेसिकली the distance covered यहां पे ना. मैं assume कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा. ओके, सो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, सॉरी दिस इज सिंपली इक्वल टू, अब nth सेकेंड में अगर जो आपको मान लो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन थ्री सेकेंड्स ये इतना है, डिस्टेंस कवर्ड इन टू सेकेंड्स कितना है, ये जो है यहां से टू सेकेंड्स में आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो. तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड पूछा जाए आपको तो यू विल फाइंड दिस एज, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड ये इतना है. नाउ ये कितना होगा, सो दिस इज इक्वल टू एस थ्री माइनस एस टू ना, ये डिस्टेंस अगर जो आपको फाइंड आउट करना है तो इट इज एस थ्री माइनस एस टू. सो अगर जो आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड या डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड तो आप क्या करते हो, एस थ्री माइनस एस टू करते हो. अगर जो आपको पूछा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड तो इट विल बी इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड तो इट विल बी एस वन माइनस एस जीरो. ओके, सो आई कैन से द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड in n seconds minus distance covered in n minus 1 seconds. So when I say distance covered in nth second के अंदर कितना distance cover हो रहा है तो आप ये निकालोगे कि n seconds के अंदर कितना distance cover हो रहा था, n माइनस वन सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा था, और उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे. सो इफ आई हैव टू शो इट टू यू ऑन द नंबर लाइन ओवर हियर, लेट्स से दिस इज t इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट यहां पे था,
अच्छा टी इक्वल टू एन सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे होगा, एंड लेट्स से टी इक्वल टू एन माइनस वन सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे होगा। ओके, नाउ व्हेन आई से दिस, ये डिस्टेंस, दिस इज एस ऑफ एन माइनस वन, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन सेकेंड्स। ओके, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन सेकेंड्स। ओके, ये जो है दिस इज एस एन। ओके, एस एन को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड्स, टोटल एन सेकेंड्स में जो है ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे जा रहा है। सो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड्स। अब अगर जो आपको चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड, आपका एंथ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये बेसिकली ये डिस्टेंस है। आई राइट दिस एज डेल्टा एस एन, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि एंथ सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो इफ यू लुक एट दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। सो आई कैन राइट दिस एज देयरफॉर डेल्टा एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब आप एस एन कैसे फाइंड आउट करोगे? हम लोग ये मान रहे हैं हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर जो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप एस के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड्स आप क्या करोगे, आप टाइम के जगह पे एन पुट करोगे, टी इक्वल टू एन पुट करोगे, तो दिस इज यू टू एन प्लस हाफ टू ए इंटू एन स्क्वायर। अब अगर जो आपको पूछा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन सेकेंड्स, सो बेसिकली दिस डिस्टेंस जीरो से एन माइनस वन के बीच का कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, दिस इज यू टी के जगह पर आई पुट एन माइनस वन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस वन स्क्वायर। ओके, अब हमें डेल्टा एस एन फाइंड आउट करना है। वी नो दैट डेल्टा एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ओके, सो इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करता है, डेल्टा एस एन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एस एन के जगह पे लेट मी राइट यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एन माइनस वन के जगह पे आई कैन राइट दिस एज यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। आई हैव जस्ट ओपन दिस अप। ओके, इसको आप सॉल्व करते जाओ तो व्हाट यू वुड फाइंड इज कि यू एन और यू एन ये कट हो जाएगा। सो डेल्टा एस एन, ओके माइनस माइनस प्लस होगा, सो इट विल बी यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। अब व्हेन यू सॉल्व दिस, दिस विल बी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, आप कॉमन निकाल सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन स्क्वायर, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो दिस इज यू प्लस हाफ ए, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो एन प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस एन माइनस वन। सो डेल्टा एस एन वुड बी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए
दिस विल बी इक्वल टू 2n-1, n-n-1 ये बच जाएगा 1, सो दिस वुड बी इक्वल टू डेल्टा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ टू ए इंटू 2n-1। सो किसी भी सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है या किसी भी सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, टू फाइंड दैट आउट दिस इज द इक्वेशन दैट वी विल यूज। यहां पे एन इज बेसिकली द एंथ सेकेंड, जिस सेकेंड में आपको डिस्टेंस कवर करना है एन की वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये अगेन दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड यू इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक से टर्म्स है। ठीक है, ये टर्म्स ना यूजुअली आप अलग अलग क्वेश्चंस में देखोगे। ओके, सो इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है ना ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये कई बार ऐसा दिया होगा, तो स्टार्ट हो रहा है ना तो दिस विल बी योर टी इक्वल टू जीरो एंड एट टी इक्वल टू जीरो ये रेस्ट पे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, सो व्हेन इट इज गिवन टू यू दैट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मींस एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ओके, सेकेंड कम्स टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो धीरे धीरे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है एंड फाइनली इट इज कमिंग टू रेस्ट। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में जा रहा है। सो लेट्स से दिस इज पोजिशन एक्स वन एंड फाइनली फ्रॉम पोजिशन एक्स टू इट इज रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। नाउ इस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है ना, यहां पे डायरेक्शन इज रिवर्सिंग, इज रिवर्सिंग। आप खुद ही सोचो, मान लो आप भाग रहे हो एंड सडनली आपको आपका डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो आप मोमेंटरीली रुक जाते हो ना, यू यू टेम्पररीली कम टू रेस्ट एंड फिर आप उल्टे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हो। ओके, तो इस पॉइंट पे सिंस आपका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन रिवर्स होता है ना उस पॉइंट पे आप मान सकते हो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड आउट द पोजिशन एट विच ऑब्जेक्ट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। सो अगर जो ऑब्जेक्ट रिवर्स कर रहा है डायरेक्शन पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर टाइम पे द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ओके, ये कई बार ये क्वेश्चन ना यहाँ पे भी काम आता है। मान लो यू हैव अ वर्टिकल मोशन, आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऐसे ऊपर फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी यू से। अब आपको ये पता है कि इस पे एक्सेलरेशन तो हमेशा ग्रेविटी के वजह से नीचे लगेगा ना, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो वापस अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा। हाँ, जहां से वो डायरेक्शन रिवर्स करता है हमें पता है, जहां से डायरेक्शन रिवर्स करता है इस पॉइंट पे हम लोग मानते हैं वेलोसिटी इज जीरो। एंड आप यहां पे देख भी सकते हो कि दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट पॉइंट ना, ये हाइएस्ट पॉइंट है। सो दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल मोशन, इसको मैं लिखता हूं मैक्सिमम हाइट इन वर्टिकल मोशन। सो हाइएस्ट पॉइंट पे या मैक्सिमम हाइट पे हमेशा आपकी जो वेलोसिटी होती है दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ओके फाइन, अब देयर इज ऑल्सो वन मोर रिजल्ट दैट कैन बी इजीली प्रूवन। ओके, द रिजल्ट इज, मान लो इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ये जो रिजल्ट है ये उस केस के लिए, इफ देयर इज नो, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देन आप ये चीज याद रख सकते हो। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये, और ये एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो, लेट से इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर्स पर सेकेंड, ओके, एंड ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, सो दिस इज 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd, 4th, 5th, ओके, सो यहाँ पे लेट से वेलोसिटी इसकी 40 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, फिर 10 है, एंड दिस बिकम्स योर हाईएस्ट पॉइंट, सो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है. ये जो ऑब्जेक्ट जब ऐसे ऊपर जाता है, ओके, दीज आर द वेलोसिटीज, फिर वापस ये नीचे भी आना स्टार्ट करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई हवा में ही अटक जाएगा, सो इट विल अगेन स्टार्ट कमिंग डाउन. सो व्हेन इट कम्स डाउन एट द सेम हाइट, मान लो ये जितनी हाइट है ग्राउंड से, ये पॉइंट भी वो सेम हाइट पे ही है ना ग्राउंड से, तो जब ये पॉइंट सेम हाइट पे ही है तो अपने रिटर्न जर्नी के दौरान भी इनकी स्पीड जो होगी ना वो सेम ही होगी, सो इट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इट विल अगेन बी 20 मीटर्स पर सेकेंड, 30 मीटर्स पर सेकेंड, 40 मीटर्स पर सेकेंड, एंड फाइनली व्हेन इट कम्स बैक टू ग्राउंड द स्पीड विल बी इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड. तो अब जिस स्पीड से इसको ऊपर फेंकोगे ये उसी स्पीड से वापस नीचे आएगा, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन वर्टिकल मोशन ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी, मान लो ये अपवर्ड जर्नी के दौरान ए बी सी डी ई, इन पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी होती है ना, डाउनवर्ड जर्नी के दौरान भी इन पॉइंट पे वेलोसिटी बस उतनी ही होती है, बस फर्क ये होता है डायरेक्शन का. अपवर्ड जर्नी के वक्त आपकी डायरेक्शन ये होती है वेलोसिटी की, डाउनवर्ड जर्नी के वक्त वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उल्टा होता जाता है, डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट. ओके, फाइन. अच्छा, अब कई बार एक टर्म और जो कॉमनली यूज किया जाएगा, दैट इज ड्रॉप फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट. अ हाइट, सो व्हेन आई से ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, मान लो ये आपका ग्राउंड है एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो मानोगे. सो व्हेन ये टर्म दिया हुआ है ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इट इंडिकेट्स दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके. नाउ यूजुअली कई बार ये ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट या ड्रॉप फ्रॉम अ कार या ड्रॉप फ्रॉम अ ट्रेन, ऐसे बहुत बार टर्म्स आता है. सो लेट से आप ना ये ऐसे ट्रेन में जा रहे हैं, ओके, ट्रेन की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड ट्रेन का एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ओके. जब आप मान लो इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, आप मान लो ट्रेन से हाथ बाहर निकालते हो एंड आपके हाथ में बॉल है, आप ये बॉल फेंकते हो, ओके, यू जस्ट ड्रॉप अ बॉल, सो बॉय बॉय ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन. उस केस में इस बॉल की अगर जो वेलोसिटी आप देखोगे इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसको लगेगा कि बॉल सी, सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है सी, वो ऐसे बॉल फेंक रहा है ना, तो उसके हिसाब से बॉल नीचे ही जाएगा. विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, बॉल इज फॉलिंग डाउन, ओके, ठीक है, बॉल जो है वो वर्टिकली नीचे जा रहा है. बट इफ यू सी, इफ यू लुक फ्रॉम द ग्राउंड, मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे खड़ा है, तो उस केस में इस बॉल की वेलोसिटी, सॉरी सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो. जैसे यहां पे हम लोग कह रहे हैं ना ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ड्रॉप फ्रॉम अ ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ओके. बट अगर जो कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इस बॉल की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इवन दो इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ ट्रेन,
ट्रेन की जो भी वेलोसिटी होगी ना, दैट वेलोसिटी विल बी इम्पार्टेड टू दिस बॉल. ओके, या इस ये बॉल इस आदमी के हाथ में है ना, तो अगर जो ये आदमी इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप करने के बाद आई से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, बॉल विल हैव सेम वेलोसिटी वेलोसिटी एज द पर्सन ड्रॉपिंग द बॉल. सो बिकॉज ये ट्रेन की वेलोसिटी है 10 meters per second, तो ये पर्सन भी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो पर्सन की भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 10 meters per second है. तो जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो ना, तो ये जो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है, या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बॉल की वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इस पर्सन की होगी. तो इस पर्सन की वेलोसिटी 10 meters per second है, तो इस बॉल की वेलोसिटी भी 10 meters per second ही होगी. सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ड्रॉप बॉल, विल बी इक्वल टू 10 meters per second. इन विच डायरेक्शन ट्रेन एंड ये पर्सन आगे, पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है एंड ये ट्रेन आगे के डायरेक्शन में जा रही है, तो बॉल की वेलोसिटी भी आगे के डायरेक्शन में होती है, 10 meters per second इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आपको ना अगर जो इसमें डाउट है ना, तो आपने कभी ना कभी तो ये किया ही होगा. ट्रेन में आप जा रहे हो एंड आपके हाथ में मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे बैठे हुए हो, मान लो ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से, मान लो हाथ में आपके बॉल है, आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हुए हो, कंपार्टमेंट के अंदर आप बैठे हुए हो, आपने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, आपको क्या लगता है बॉल क्या होगा, आपके हाथ में आएगा या आपके पीछे गिरेगा, क्योंकि ट्रेन तो आगे निकल रही है. बॉल जब हवा में था तब ट्रेन आगे चली जा चुकी होगी, तो व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, वेदर बॉल विल कम बैक टू योर हैंड और बॉल आपके पीछे गिरेगा क्योंकि आप आगे चले गए हो, क्या होगा बताओ. सी क्या होगा पता है, जैसे ही ये आदमी बॉल अपने विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, जैसे मान लो कि मैं यहां पे हूं तो मैं ऊपर फेंक रहा हूं ना, अब वैसे तो अर्थ भी घूम रहा है, बट ऐसा तो हो नहीं रहा ना, अर्थ घूम रहा है तो ये ऊपर गया, तो फिर ये साइड में आके गिरा, ऐसा नहीं हो रहा, ये वापस ऊपर जाता है और वापस ये मेरे हाथ में ही आके गिर रहा है. द रीजन इज बिकॉज कि जो इस आदमी की वेलोसिटी है, इस पर्सन की, दैट विल बी इम्पार्टेड टू द बॉल एज वेल. सो बिकॉज द स्ट्रेन इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, दिस मैन विल हैव अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, सो दिस बॉल विल ऑल्सो हैव अ स्पीड वी इन दिस डायरेक्शन. सो जब आप ऊपर फेंकते हो ना, बॉल ऊपर तो जाता ही है, बट इस वेलोसिटी से बॉल थोड़ा सा आगे भी जाता है, तो बॉल ऐसे मूव करता है. तो मान लो ट्रेन आगे जा चुकी होगी, तो ऐसा होगा, ट्रेन आगे जा चुकी है, ट्रेन के साथ आप भी आगे जा चुके हो, एंड इसलिए बॉल वापस आप ही के हाथ में आके गिरता है. आपको ऐसा लग रहा है बॉल सीधा ऊपर जा रहा है और सीधा नीचे तो आ रहा है, बट वही अगर जब ग्राउंड से देखोगे ना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि बॉल ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है. सो द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज दैट कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना, इफ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, तो उस ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, इट विल हैव द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ दिस ऑब्जर्वर. ओके, तो जो भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी, वही इस ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बलून में हो, हॉट एयर बलून, एंड बलून ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी यू, दैट इज 10 meters per second कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से. तो आप जब बॉल को ड्रॉप करते हो ना, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि आपने इसको बलून में से ड्रॉप किया हुआ है, और बलून की वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, दिस बॉल विल ऑल्सो हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये तो हुआ वेलोसिटी का. सो वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस फ्रेम,
is imparted to the object. Okay, but what about the acceleration? Acceleration के केस में ऐसा नहीं होता. Acceleration के केस में अगर जो इस आदमी का एंड इस ट्रेन का एक्सेलरेशन 5 है तो बॉल का भी एक्सेलरेशन 5 होगा, वैसा नहीं होता. एक्सेलरेशन ऑफ द ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, लेट मी राइट इट ओवर हियर, एक्सेलरेशन ऑफ द ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. एक्टिंग ऑन इट. सो मान लो एक बार आपने बॉल को इस ट्रेन के अंदर से ड्रॉप कर दिया. अब बॉल बाहर हवा में है ना, तो उसपे तो बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. तो इस बॉल को एक बार आपने ट्रेन से ड्रॉप कर दिया तो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा दैट विल ओनली बी जी एंड इट विल ओनली बी डाउनवर्ड्स. सो इवन दो दिस ट्रेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 meters per second square, बॉल विल नॉट हैव दिस एक्सेलरेशन. सो बस इस ट्रेन की वेलोसिटी ही इसको इम्पार्ट होगी, इसका एक्सेलरेशन जो है वो इसको इम्पार्ट नहीं होगा. ठीक है, आई होप These are some of the things that you will remember. ये कुछ terminologies है, ये terminologies important है, ये चीजें अब आप याद रखो. I'll send you few solid examples. Please go through those solid examples. Okay? We will discuss those solid examples in the next video. Okay? Fine. चलो then. Bye everyone.